हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में। आज हम देखेंगे रिपीटर्स, हब और राउटर्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपीटर, हब, राउटर एंड ब्रिज। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो कि कनेक्टिंग डिवाइसेस होती क्या हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है कोई, जिसके अंदर कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, और एक लैन यहाँ पे है और इसमें भी कुछ सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। अब ये लैन नेटवर्क अपने आप में आइसोलेशन में तो काम करेगा नहीं, तो इस लैन नेटवर्क को किसी दूसरे लैन नेटवर्क से भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो डिवाइस होती है, कोई सी भी डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो अगर ये एक लैन है, ये भी एक लैन नेटवर्क है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कनेक्टिंग डिवाइसेस कहलाता है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करती हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं जिसमें कनेक्टिंग डिवाइसेस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स जिस पे वो काम करती हैं वो शो होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं लेयर्स के नाम लिखता हूँ, सबसे पहले फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ऐसे यहाँ पे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो जो रिपीटर और हब होता है, रिपीटर एंड हब और रिपीटर और हब, वो काम करते हैं सिर्फ फिजिकल लेयर पे। तो जो फिजिकल लेयर का पार्ट है इतना, वहाँ पे सिर्फ रिपीटर और हब आपको शो करना है, रिपीटर और हब। तो इसका मतलब है कि जो रिपीटर और हब की जो रेंज है वो सिर्फ कितनी है, अप टू द फिजिकल लेयर। देन ब्रिज या फिर टू लेयर स्विच जिसको हम बोलते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे ब्रिज लिख रहा हूँ। तो जो ब्रिज है वो फिजिकल और डाटा लिंक दोनों पे काम करता है। तो ब्रिज की मैक्सिमम रेंज यहाँ तक है। तो ब्रिज फिजिकल और डाटा लिंक दोनों पे काम करता है। देन राउटर नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल तीनों पे काम करता है। तो बेसिकली अगर राउटर तीनों पे काम कर रहा है तो राउटर को हम बोलते हैं थ्री लेयर स्विच। बॉर्डर दो लेयर पे काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं टू लेयर स्विच। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको इस डायग्राम से ही पता लग रहा है, दैट रिपीटर और हब वर्क्स ऑन अ सिंगल लेयर विच इज़ फिजिकल लेयर, ब्रिज वर्क्स ऑन टू लेयर्स फिजिकल एंड डाटा लिंक, वेयर एज राउटर वर्क्स ऑन थ्री लेयर्स फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। अब एक एक करके हम हर कनेक्टिंग डिवाइस को पढ़ते हैं कि वो क्या काम करती है और उसका क्या फंक्शनैलिटी होता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे रिपीटर्स से। दिस डिवाइस ऑपरेट्स ओनली इन द फिजिकल लेयर, जो हमने देखा। अ रिपीटर रिसीव्स अ सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड, इट रीजनरेट्स एंड रीटाइम्स द ओरिजिनल बिट पैटर्न। तो जैसे अगर ये सिग्नल, एक सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है कुछ इस तरह से, और सपोज यहां पे रिपीटर है, तो धीरे 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 सिग्नल क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ करप्शन आनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब सिग्नल ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो थोड़ा वीक होता है। तो सपोज़ यहाँ तक आते आते सिग्नल थोड़ा वीक होना शुरू हो गया कुछ इस तरह से, तो रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर इस सिग्नल को, इस वीक सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट कर देगा, रीटाइम कर देगा। दैट मीन्स जब इस सिग्नल रिपीटर से निकलेगा तो वो दोबारा से आपको ओरिजिनल सिग्नल की तरह दिखेगा। तो ये बेसिक काम होता है रिपीटर का, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हब है वो क्या होता है। रिपीटर ही हब होता है सबसे पहली बात, बस स्टार टोपोलॉजी के अंदर रिपीटर को हब बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर इज कॉल्ड एज हब। तो क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आपके पास सिस्टम्स कनेक्टेड हैं,
लेट से एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, एक सिस्टम है सी और एक सिस्टम है डी। अब बीच में एक डिवाइस है जो रिपीटर है, तो इस डिवाइस को, क्योंकि अब ये स्टार टोपोलॉजी है, इसको हम बोलेंगे हब। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सेंट्रल पॉइंट से होता है, तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। अब जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा किसी भी सिस्टम से, सपोज ए से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे आया, हब इसको दोबारा से रीजनरेट करके आगे भेज देगा। ऐसे अगर बी से कोई सिग्नल आता है तो हब उसको रीजनरेट करके आगे ट्रांसमिट कर देगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रिपीटर इन स्टार टोपोलॉजी। तो ये मेन डिफरेंस है रिपीटर और हब का। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है रिपीटर और हब में, एंड दैट इज अ रिपीटर और हब जस्ट फॉरवर्ड्स एवरी बिट, दे डोंट हैव द इंटेलिजेंस टू फिल्टर डेटा। जैसे यहाँ पे सारा डाटा जो है वो बिट बाय बिट रीजनरेट हो रहा है, तो रिपीटर और हब क्या करते हैं, वो सारी बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं, डाटा को फिल्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब दे आर जस्ट रीजनरेटर्स, वो डाटा को फिल्टर नहीं कर सकते, उसमें कुछ रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज रिपीटर एंड हब। नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस है ब्रिजेस। ब्रिजेस ऑपरेट्स इन बोथ फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर। तो हमने देखा था पहले भी कि ब्रिजेस जो हैं वो दोनों फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। तो अब अगर ब्रिज एज ए फिजिकल लेयर डिवाइस काम कर रहा है, तो इसका सिर्फ काम है टू रीजनरेट द सिग्नल। सो एज ए फिजिकल डिवाइस इट रीजनरेट्स द सिग्नल। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फिजिकल लेयर पे ब्रिज एज ए रिपीटर काम करता है। और जबकि एज ए डाटा लिंक लेयर सर्विस और डाटा लिंक लेयर डिवाइस, इट चेक्स द मैक एड्रेस ऑफ द फ्रेम। तो जो फ्रेम का मैक एड्रेस है उसको ये चेक करता है, और इसी मैक एड्रेस को चेक करने से वो फिल्टरिंग अप्लाई कर सकता है। सो द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड रिपीटर इज दैट ब्रिज हैज द फिल्टरिंग कैपेसिटी। सो ब्रिज के अंदर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, और उस फिल्टरिंग से होता क्या है, अ ब्रिज कैन चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ए फ्रेम एंड कैन डिसाइड फ्रॉम विच आउटगोइंग पोर्ट द फ्रेम शुड बी सेंट आउट। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्रिज है यहाँ पे, देर इज अ ब्रिज, और इस ब्रिज के चार पोर्ट्स हैं या चार बाहर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं इस तरह से। सपोज ये जो रास्ता है ये जा रहा है इंडिया के नेटवर्क की तरफ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो रास्ता है ये जो जा रहा है ये जा रहा है यूएसए के नेटवर्क्स की तरफ, ये वाला रास्ता जा रहा है यूके के नेटवर्क की तरफ, और ये वाला रास्ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं, यहाँ पे। अब यूजर वन, सपोज दिस इज यूजर वन, यूजर टू, दिस इज यूजर थ्री। यूजर वन ने एक फ्रेम भेजा ब्रिज के पास, और उस फ्रेम का जो एड्रेस था वो उस रीजन में लाई कर रहा था जो इंडिया का है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेम विद डेस्टिनेशन एड्रेस बिलोंगिंग टू इंडिया। तो क्या होगा, ये वाला जो फ्रेम यहाँ से गया, ब्रिज उसको एक तो सबसे पहले क्या करेगा, उस सिग्नल को रीजनरेट करेगा, देन फ्रॉम दैट इट विल डिसाइड दैट आउट ऑफ विच पोर्ट ऑफ दिस फोर पोर्ट्स 1, 2, 3 एंड 4, आउट ऑफ विच पोर्ट द फ्रेम शुड बी सेंट आउट। तो डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के वो ये डिसाइड कर लेगा कि ठीक है, ये वाला जो फ्रेम है जो यूजर वन ने भेजा है वो इंडिया की तरफ जाना चाहिए, तो वो उसको पोर्ट नंबर वन से
बाहर भेज देगा। इसी तरह अगर यूज़र टू ने एक फ्रेम भेजा और वो फ्रेम था यूके के लिए, तो ब्रिज उसको पोर्ट नंबर 3 से बाहर भेजेगा। ऐसे ही अगर यूज़र 3 ने एक फ्रेम भेजा जो था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ब्रिज उसको पोर्ट नंबर 4 से बाहर भेजेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द फिल्टरिंग। क्यों फिल्टरिंग हुई क्या कि डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करके ब्रिज ये डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट से फ्रेम बाहर जाना चाहिए। सो दैट इज़ फिल्टरिंग। एंड एज यू कैन सी दैट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड रिपीटर इज जस्ट दैट ब्रिज हैज़ द फिल्टरिंग कैपेबिलिटी जो रिपीटर के अंदर नहीं होती। सो दिस इज ब्रिज। नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर्स। सो द राउटर्स ऑपरेट्स इन फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, तीनों लेयर में काम करते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली एन इंटर कनेक्टिंग डिवाइस और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे कोई सिस्टम है, सिस्टम ए फॉर एग्जांपल, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी एंड सिस्टम डी, चार सिस्टम्स हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रिज लगाया हुआ है। ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पे अपना एक ब्रिज यूज़ किया हुआ है और इन दोनों लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा ब्रिज है, ठीक है। नाउ द राउटर विल कनेक्ट दिस होल सिस्टम टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे जो ये डिवाइस होगी ये राउटर होगा और ये इंटरनेट। सो बेसिकली राउटर ने एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज राउटर। एंड राउटर्स मेन वर्क इज टू राउट द पैकेट्स थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो कुछ राउटिंग के एल्गोरिदम्स हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, जिनकी मदद से राउटर अपने पैकेट्स को राउट करता है, उनको आगे प्रोपोगेट करता है, भेजता है। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ राउटर एंड रिपीटर और ब्रिज। तो राउटर का डिफरेंस बाकी दोनों डिवाइसेस से कैसे है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिए। तो ये डिफरेंस है राउटर का रिपीटर और ब्रिज से। पहली बात तो राउटर हैज़ फिजिकल एंड लॉजिकल आईपी एड्रेस फॉर ईच ऑफ इट्स इंटरफेस। तो राउटर के पास फिजिकल और लॉजिकल दोनों आईपी एड्रेस होते हैं इंटरफेसेस के। देन सेकंड, राउटर एक्ट्स ओनली ऑन दोज पैकेट्स इन विच द फिजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेस द एड्रेस ऑफ द इंटरफेस। सो सिर्फ उन्हीं पे एक्ट करता है जिसका फिजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस उसके अपने इंटरफेस के एड्रेस से मैच होता है। देन थर्ड डिफरेंस इज, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, इट सेज अ राउटर चेंजेस द फिजिकल एड्रेस ऑफ द पैकेट बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन व्हेन इट फॉरवर्ड्स द पैकेट। तो मतलब राउटर फिजिकल एड्रेस दोनों सोर्स का और डेस्टिनेशन का चेंज करता है जब वो उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड different connecting devices. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.